Friends, CA Foundation as well as CPD. Partnership. In first lecture we have seen partnership is a relationship between two or more persons. Carrying business by anyone or all of them for the benefit of the whole. Basically, partnership में real mutual agency involved है, caring for the whole. अपने दुनिया में क्या लगता है, जहां पे sharing of profit है वो उसका partner ऐसा में दिखता है, लेकिन दिखता है वो होता नहीं है. कई जगह ऐसी है जहां पे sharing of profit है लेकिन partnership नहीं है. See the example of the employee. हमारे पास पुराना employee है, हमें ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉई लंबा टाइम टिकना चाहिए तो हम उसको सेल ऑफ प्रॉफिट भी देते हैं ओवर एंड अबव द सैलरी. किसी का बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, वो लैंड एंड बिल्डिंग का रेट देने की जगह पे हम उसको सेल ऑफ प्रॉफिट देते हैं. वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो ओनर ही है. किसी ने फंड बोरो किया, लेंडर को हमने भी सेल ऑफ प्रॉफिट पे किया. आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर विडो को लीगल हेयर को सेल ऑफ प्रॉफिट दिया. पर्चेस ऑफ गुडविल की वजह से पुराने ओनर को हमने सेल ऑफ प्रॉफिट दिया और पेमेंट कंटिजेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. It does not mean recipient is our partner. जिसको मिल रहा है वो हमारा पार्टनर है, इतना जरूरी नहीं है. Sharing of profit is only a primary evidence. Is not a cardinal principle. It's not a main principle. Partnership एक relationship है. Arise from contract only. May be returned, may be oral, may be implied, express, voluntary, etc. HUF की तरह partnership में status से कोई partner नहीं बनता है, agreement से partner बनता है. HUF में क्या होता है, नया कोई born होता है, immediately वो partner बन जाता है. लेकिन वैसा partnership में नहीं है. Burmese Buddhist husband and wife cannot enter into a partnership. Other than this, husband and wife also can enter into a partnership. In the eyes of law, anybody is a person, whether natural or artificial, can enter into a partnership. So basically, partnership mein mutual agency hai na, wo uska प्राइमरी प्रिंसिपल है, वो उसका टेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है. दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है ही, कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है. नहीं, कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो कंडीशन एग्जिस्ट, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, इंटेंशन ऑफ द पर्सन विल बी कंसीडर्ड. इसी की वजह से सिर्फ हमने एक लैंड परचेस किया, जॉइंटली परचेस किया और लैंड हमने बेच दिया, हम पार्टनर नहीं हो जाते हैं. रिकरिंग एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मे बी ट्रेड, मे बी कॉमर्स, मे बी मैन्युफैक्चर, मे बी एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर है तो ही हम बोल सकते हैं यहां पे पार्टनरशिप है. तो पार्टनरशिप वो एजेंसी है, एक पार्टनर कुछ करता है, बाकी के सब लोग सफर करते हैं, बाकी के सब करते हैं, ये सफर करता है. यहां पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है. बेसिकली हम जब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड कंपनी का डिफरेंस हम जब समझने का ट्राई करेंगे, पार्टनरशिप है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. पार्टनरशिप है उसमें सिर्फ जॉइंट ओनरशिप होती है,
इन कंपनी के तहत लीगल आर्टिफिशियल जुडिक्शन एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप में नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस, जो पार्टनरशिप में नहीं है कंपनी में है। सेकंड एजेंसी, एक पार्टनर करेगा बाकी ये सब पार्टनर भी सफर करेंगे, बाकी के करेंगे तो फर्स्ट भी सफर करेगा। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट इन कंपनी नो, नो एजेंसी एट ऑल। कंपनी में कोई एक मेंबर करेगा कुछ भी एक्टिविटीज, उसके लिए अदर मेंबर्स है वो लायबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर भी पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट मिलता है ना वो सब प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से सम पोर्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, बट रिमेनिंग कैन बी रिटेन, बाकी हम रिटेन कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनरशिप में जनरली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी एलएलपी का कंसेप्ट आया है एंड उतना यूजफुल अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर पर्सनली लायबल है, पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है। कंपनी तीन तरीके की, लिमिटेड बाय से, गारंटी एंड अनलिमिटेड। बट इन इंडिया जनरली कंपनी लिमिटेड बाय सेस ओनली एग्जिस्ट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम की सेपरेट प्रॉपर्टी रख सकती है, ये प्रॉपर्टी रिलायंस की है, एलएनटी की है, एसआई की है, टाटा की है, अदानी की है, वैसे कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड हो सकती है। क्यों? कंपनी सेल्फ पे लीगल पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में फॉर्म के नाम से प्रॉपर्टी नहीं होती है, जॉइंट पार्टनर्स है ना उसके नाम से जॉइंट प्रॉपर्टी हो सकती है। पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर करना है अपना तो दूसरे पार्टनर को पूछना पड़ता है। कंपनी में पब्लिक कंपनी अनरिस्ट्रिक्टेड किसी को पूछे बिना ट्रांसफर कर सकती है, एंड प्राइवेट कंपनी बेस्ड ऑन आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन अपना शेयर है वो ट्रांसफर कर सकती है। मैनेजमेंट, पार्टनर्स कैन इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ द फर्म, each and every partner generally involved in the business of the firm. But in case of a company, management will be possible through the board of directors. Members only can vote in the general meeting, in shareholders meeting. उसको voting का right है member का, उसके अलावा business activity में उसका involvement company के case में नहीं होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी में कंपलसरी है, देन ओनली कंपनी कैन एग्जिस्ट। बट इन पार्टनरशिप आरओए में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इनसे ऑफ ना। पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप करना है स्पेसिफिक एक्ट फॉलो करना जरूरी नहीं है कंपनी के लिए, एज पर कंपनी एक्ट ओनली वाइंडिंग अप इज पॉसिबल। तो हमारे लिए पार्टनरशिप में वाइंडिंग अप कंपैरेटिवली कंपनी के कंपैरेटिव में इजी है। कंपनी में वाइंडिंग अप करने के लिए एनसीएलटी एंड बहुत सारी प्रोसीजर है। मेंबरशिप, पार्टनरशिप में एक्ट ने 100 और रूल ने 50 मेंबर मैक्सिमम बोला है। एक्ट ने 100 रूल ने 50 मेंबर मैक्सिमम बोला है पार्टनरशिप में, लेकिन कंपनी में no restriction to the public company, and private company also can maximum member will be 200, private company 200, public company no limit. Regarding membership, duration of the existence, कोई partner का death हुआ, insolvency हुआ, तो partnership dissolve हो जाती है।
मेंबर के डेथ का, मेंबर के इंसॉल्वेंसी का कंपनी में कोई असर नहीं होता है। टाउन हॉल में मीटिंग है और कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब सर्वे के साथ मर गए, कभी कंपनी मरती नहीं है। लीगल हेयर है ना, लीगल हेयर है ना, वो मेंबर हो जाते हैं। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड क्लब? पार्टनरशिप का डेफिनेशन मालूम है, सेलिंग ऑफ द प्रॉफिट इज अ बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द पार्टनरशिप। व्हाई इन केस ऑफ अ क्लब, रिक्रिएशन हेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ओनली क्लब कैन वर्क। पार्टनरशिप प्रॉफिट पर्पस, क्लब में अदर देन प्रॉफिट पर्पस ओनली डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स, रिक्रिएशन हेल्थ एक्सेट्रा। पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, क्लब में एक मेंबर करता है दूसरे मेंबर को सफर करना नहीं होता है। नो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन केस ऑफ ए क्लब। प्रॉपर्टी में पार्टनर का शेयर होता है, क्लब मेंबर का, समय क्लब है तो नहीं, मैं उसका मेंबर हूं तो मेरा भी शेयर है, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रॉपर्टी में शेयर क्लब में नहीं होता है, पार्टनरशिप में होता है। पार्टनर की डिसोल्यूशन की वजह से, पार्टनर के डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से फॉर्म डिसोल्व हो सकती है। मेंबर का डेथ होने की वजह से क्लब डिसोल्व नहीं होता है, मेंबर के डेथ की इफेक्ट क्लब पे नहीं आती है। डिफरेंस इन द पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। अब जब पार्टनरशिप एंड एचयूएफ की बात करोगे, मोड ऑफ क्रिएशन, सबसे पहले इन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओनली, इन एचयूएफ बाय स्टेटस, दयावागा मिताक्षा उग्रसेन के मरने के बाद ही कंस को अपना राज्य मिलता है, इसीलिए तो उसने उसको जेल में डाला। दयावागा मिताक्षा बोर्न होते ही बच्चों को अपना राइट मिल जाता है, दैट इज एचयूएफ। एचयूएफ में बाय स्टेटस, बाय बोर्न आप एंटर होते हो, आप एग्रीमेंट नहीं चलता, न सब दीव एम्पायर से एग्रीमेंट करते। फॉर पार्टनरशिप थ्रू द एग्रीमेंट ओनली। डेथ ऑफ द मेंबर का इफेक्ट एचयूएफ पे नहीं रहता, एचयूएफ कंटिन्यू रहता है। डेथ ऑफ पार्टनरशिप की वजह से हमारा फर्म है वो हमें कई बार क्लोज भी करना पड़ता है। मैनेजमेंट, हर एक पार्टनर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट करता है, एचयूएफ में करता है ना, वही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए करता, कोई भी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ कर सकता है। ऑथोरिटी टू बाइंड, जो काम कोई भी पार्टनर करके आएगा विद इन ऑथोरिटी, फॉर्म विल बी लायबल एज वेल एज इन केस ऑफ ए करता, ओनली कैन मेक लायबल टू द एचयूएफ। पहले कर्ता में सिर्फ मेल मेंबर आउट था, नाउ फीमेल एल्डेस्ट पर्सन है जो फैमिली का, यानी फीमेल है ना, वो भी अभी कर्ता हो सकती है। पार्टनर्स में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और एचयूएफ में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बट मेंबर ओनली अप टू हिज शेयर इन द एचयूएफ। अकाउंट्स पार्टनरशिप में मांग सकते हैं, एचयूएफ में डिसोल्यूशन के टाइम भी नहीं मांग सकते। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है गवर्निंग लॉ, और एचयूएफ के लिए हिंदू लॉ गवर्निंग लॉ है। माइनर कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द होल इन एचयूएफ, बोर्न होते ही ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है, किसके कंसेंट की जरूरत नहीं है। डेथ इंसॉल्वेंसी की वजह से पार्टनरशिप डिसोल्व हो सकती है, फॉर्म और एचयूएफ कंटिन्यू रहता है, कोई मेंबर का डेथ तो इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट उस पे नहीं होता है। मेंबर्स पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50, एचयूएफ में नो लिमिट, एंड शेयर इन द बिजनेस। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट से शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है, कोई नहीं बोला है तो इक्वली है। और एचयूएफ में जितने मेंबर है उतने शेयर होते हैं, नया कोई बोन होता है उतना शेयर है,
वो मेंबर का कम हो जाता है। फ्रेंड्स इफ यू नीड दिस सच वीडियोस शेयर टू योर ग्रुप सब्सक्राइब एंड YouTube चैनल सुरेश तेजवानी एंड वेबसाइट ca तेजवानी.com। थैंक यू वेरी मच।